बालोदाबाजार जिले के लवन नगर के प्राथमिक स्कूल में पदस्थ एक कलयुगी शिक्षक के द्वारा छात्राओं से गंदी नियत रखकर अश्लीलता भरी बातें करने वाला आरोपी शिक्षक को छात्राओं की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं लवन चौकी प्रभारी हितेश जंघेल ने बताया कि 14 सितंबर को पार्थी प्रभारी प्रधान पाठक ने चौकी उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया, जिसमें 14 सितंबर को स्कूल की एक छात्रा ने आकर बताया कि स्कूल के एक शिक्षक द्वारा उसके साथ गलत नियत से छुआ जाता है तथा गंदी गंदी बातें की जाती हैं एवं अपने मोबाइल से दूसरी लड़कियों की तस्वीर दिखाकर गंदी गंदी बातें की जाती हैं। घटना की जानकारी मिलने पर स्कूल के अन्य छात्राओं से भी पूछताछ करने पर उनके साथ भी आरोपी शिक्षक द्वारा पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम देना पाया गया। घटना की जानकारी छात्राओं के अभिभावकों को भी दी गई है। वहीं लवन पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया गया एवं घटना में प्रयुक्त मोबाइल जब्त कर आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तारी कर आरोपी शिक्षक चित्रकांत साहू उर्फ बंटी, पिता अरुण कुमार साहू, गायत्री चौक सिरपुर रोड कसडोल के विरुद्ध धारा 354 क 509 भादवी 812 पास्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। लवन पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज किया गया कि प्रधान पाठक द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उनके ही स्कूल के टीचर द्वारा बच्चों से अश्लील बातें करना और छेड़खानी करने की रिपोर्ट की गई है। इस पर लवन पुलिस द्वारा धारा 301 का 509 भदवी 812 पासकेट के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। इसमें प्रधान पाठक द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उनके साथ बालिका भी आई थी, उनका भी बयान लिया गया है और मामले में अन्य जो उनके पालक हैं उनका भी कथन लिया जाएगा। कल 11:30 बजे मुझे एक छात्रा आकर बोला कि सर ऐसा ऐसा चित्रकांत साहू सर जो है वो मुझे अश्लील अश्लील बात गंदी गंदी बातें करता है और असली नियत से मुझे देखता है, ऐसे करके एक बच्चा आया मुझे बताया कि मुझे और मेरे होंठ और गाल को तथा मुझे पूर्व में भी अश्लील शब्द बोला है, ऐसे करके मुझे उस छात्रा ने बताया। फिर मैं उनके पालकों से संपर्क करके उनके नाम से थाना में FIR दर्ज कराने के लिए गया। शिक्षा विभाग में सर उच्च अधिकारियों का आपने अवगत कराया? जी, मैं तुरंत फोन 12 बजे करीबन अपने सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी को फोन के द्वारा उनको अवगत कराया। नाम बताएंगे सर अपने? मेरा नाम हरीश कुमार कोसरे, प्रभारी प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला लगाया।